आज हम नाभिपूरण के बारे में जानेंगे। यह एक प्राकृतिक उपचार है जिसमें नाभि के अंदर तेल डाला जाता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर 80 से भी ज़्यादा बीमारियों को दूर किया जा सकता है। चाहे या फिर जोड़ों का दर्द हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या फिर अन्य कोई भी आपके शरीर में शिकायत हो, जैसे कब्ज की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, या फिर पूरे शरीर में दर्द रहता है, या फिर आपका मन चिड़चिड़ा होने लगता है, सारी बीमारियों का ये एक सिर्फ इलाज है नाभिपूरण। अब इस प्रक्रिया को करने में कितना वक्त लगता है, इसे किनको करना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलेगा, और इसको करने में हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, यानी कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करना है, और नाभिपूरण किनको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों, इसे करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम बीमार नहीं होते हैं, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी जो नाभि होती हैं वो शरीर का केंद्र बिंदु होती हैं और यहाँ से सभी छोटी से बड़ी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। लगभग 72,000 नाड़ियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में वो यहीं पे आके जुड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन जो होते हैं वहाँ तक इनका जो जुड़ाव होता है वो होता है, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया। तो शरीर में कहीं भी अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, किडनी से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई, या हार्ट से जुड़ी हुई, या नसें ब्लॉक हो गई हो, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, जोड़ों का दर्द हो रहा हो, सारा कुछ सिर्फ नाभि के इस्तेमाल से, इसमें जो नाभिपूरण है ये करने से, ये प्रक्रिया को करने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये सभी ऑर्गन को आपस में जोड़ता है और इनमें तालमेल बनाए रखता है, ठीक है। तो सेहत को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, तो हमें आज से ही ये शुरू करना चाहिए। तो हमें इसे कैसे करना है दोस्तों? प्राण शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे शरीर में प्राण शक्ति होती है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको हील करने के लिए हम करते हैं तेल का या घी का इस्तेमाल, ठीक है, जिससे हम नाभि में डालते हैं और इसके करने से हमारे शरीर में जो रोग हैं वो दूर होते हैं। दोस्तों, इसे ऐसे समझ लें, हम सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि जो नाभि होता है वो हमारे शरीर का प्राण शक्ति यानी डॉक्टर होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कौन से लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और कौन से लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जो हमारे शरीर में तीन तरह का शरीर होता है। एक होता है जो पित्त प्रकृति का होता है, कफ प्रवृत्ति का शरीर होना, कफ वाले शरीर, उसके बाद उसे हम बोलते हैं वात, ठीक है। तो वात के अगर बिगड़ जाने से ही जोड़ों का दर्द वगैरह, जो शारीरिक दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो इन तीनों को हम इससे बैलेंस कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि दोस्तों, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर होता है डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम पित्त बोलते हैं, और इसको भी बैलेंस करता है, जैसा कि हमने अभी बताया। और ये क्या होता है कि अगर आपके शरीर में गैस बनती हो, ब्लोटिंग होती हो, स्ट्रेस रहता हो, ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आती हो, मन घबराता हो, तो ये सारा चीज़ को ये ठीक करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इसके फ़ायदे हैं, और प्राण शक्ति को, जैसा हमने बताया, ठीक रखेगा, मजबूत बनाएगा, जिससे हमें जल्दी से रोग नहीं लगेगी। आपको अगर आपके शरीर में, अगर आप बीमार हो जाते हैं बार बार, या आपके बच्चे हैं घर में वो बार बार बीमार हो जाते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आ गई है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो भी ये इसके तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये नाभिपूरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। चेहरे को चमकदार बनाया जा सकता है, चेहरे पे झुर्रियाँ को दूर किया जा सकता है, दर्द को भी दूर किया जा सकता है वात को बैलेंस करके। तो आइए जान लेते हैं कौन से तेल का इस्तेमाल करना है कौन से बीमारी के लिए। तो अगर हमारा शरीर वात प्रकृति का है, वात प्रकृति वाले लोगों को हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शारीरिक दर्द,
की शिकायत रहती है, साथ ही साथ उनमें कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है और उनके शरीर से जो वात है वो नहीं निकलती है गैस के माध्यम से, जो पेट में हमेशा फुला फुला सा लगता है। तो उन लोगों को कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, उन लोगों को तेल इस्तेमाल करना है या तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, गर्म प्रकृति की होती है, या तो आप बादाम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल, बादाम का तेल नहीं है तो यहाँ पे सरसों का तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके जोड़ों के दर्द वगैरह को कंट्रोल करेगा वात को बैलेंस करके। दूसरी जो प्रकृति होती है हमारे शरीर की, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि वो होती है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बातों पे, मन चिड़चिड़ा सा रखता है, ठीक है, या फिर उनके चेहरे पे पिंपल्स, रैशेज या शरीर में रैशेज, खुजली, ये सब तरह की चीज़ें उनको होती रहती हैं। मन उनका बहुत घबराता है हमेशा, उनकी जो चित्त है वो शांत नहीं होती हैं। तो ऐसे लोगों को या तो नारियल का तेल का इस्तेमाल करना है या तो घी का इस्तेमाल करना है, जो गाय की घी होती है देसी, वो घी का इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ इसे, मैं बताऊंगी, 15 दिन इस्तेमाल करिए, आपको देखने को मिलेगा कि आपको गुस्सा आता है तो वो शांत होने लग जाएगा दोस्तों। और तीसरी जो प्रकृति होती है हमारे शरीर की वो कफ की होती है। कफ वाले जो लोग होते हैं वो लोग सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कफ वाले, उनको क्या होता है कि हमेशा गले में खराश, खांसी, कफ, जुकाम हमेशा लगती रहती है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में ऐसा देखा जाता है। तो उनको आप ये आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब हम इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले तेल हमें यहाँ पे गुनगुना तेल का, हल्का गर्म तेल का इस्तेमाल करना है। तेल को हमें डायरेक्ट आग पे नहीं गर्म करना है, तो इसको गर्म करने की एक तरीका होती है। आप क्या करें, एक बर्तन में पहले पानी को उबाल लें, पानी अच्छे से जब गर्म हो जाए तो आपको ये तेल की जो शीशी है, शीशी में रखिए या फिर किसी भी मेटल के बर्तन में रखिए, ध्यान रखिए मोटा शीशा होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा गर्माहट की वजह से। और उसको आपको पानी में डुबो के रखना है, गर्म पानी में, जिससे जो आपका तेल है या घी है वो हल्का गुनगुना गर्म हो जाएगा। अब हम इसे कैसे करना है, आप किसी बिछावन पे लेट जाइए, अच्छी जगह पे लेट जाइए जहाँ पे आराम कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको किसी कटोरी में या किसी चीज़ में डाल के आपको अपने नेवल एरिया में, यहाँ जहाँ पे नाभि है वहाँ पे आपको ये तेल धीरे धीरे गिराना है, जिसे हम नाभि पूरण प्रक्रिया बोलते हैं। धीरे धीरे जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको गिराना है, और गिराने के बाद आप इसे बगल बगल में जो तेल है अपने हाथ में लगा लीजिए, नाभि के सामने गोले गोले आकार में, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आपको अपने हाथ की मदद से कम 10 मिनट के लिए गोला गोला आपको हल्का हल्का हाथ से मसाज करना है वहाँ पे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 5 मिनट आपको गोला गोला घुमाना है क्लॉकवाइज, फिर 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज करना है। ऐसा करने से आपके जो कोई भी समस्या थी, जैसे दर्द की समस्या, जितनी भी समस्या मैंने बताई, कब्ज की समस्या, डाइजेशन की समस्या, पेट से जुड़ी समस्या, 80 से भी ज़्यादा बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक आपको करना है। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद तेल को इसी तरह से आप या घी को छोड़ दीजिए नाभि में, और उसके बाद 15 मिनट के बाद आप एक कपड़े से इसे पोंछकर हटा सकते हैं, ठीक है, साफ़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है इसे करने का रात को। मैं पादाभ्यंग की भी प्रक्रिया बताई थी, जिनको एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, तो वो लोग ये दोनों प्रक्रिया को करें, उनको बहुत आराम मिलेगा। तो आपको पादाभ्यंग की वीडियो अगर नहीं मिली है तो मैं आई बटन में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अब जान लेते हैं किनको नहीं करना है, ठीक है। तो जिनको पेट से जुड़ी समस्या है बहुत ही गंभीर, जैसे कि अल्सर हो गया है, या फिर उनको अपेंडिक्स की समस्या है, या फिर उनको हर्निया बढ़ गया है, आंतों में गांठ बन गई हैं, और या तो बहुत इमरजेंसी वाली जो केस होती हैं जिसमें डॉक्टर के पास जाना है, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इमरजेंसी केस है, तो वैसे केस में भी इसे नहीं करना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक उपचार है, इसका लाभ मिलता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, लंबी प्रक्रिया है। कम से कम इसे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करेंगे तो आपको इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। पूछना है पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।